Hello everyone, today we are here to discuss our next lecture on the topic forced time system subjected to constant harmonic motion. Earlier we have discussed our two lectures on the same topics, but now the concluding parts comes here, that what happens when we applied an external force on a spring mass damper system, and we have to get the characteristics of these systems. So we will interpret it, we will conclude something. और वो जो conclusion हम करेंगे उसका use बहुत जगह होता है. जैसे suppose कि हमने कोई system design करना है, तो हमें कैसे parameters को vary करना है, हमें कोई vibration system design करना है, उसके parameters को कैसे vary करना है. ये नहीं कि हमें ये मिल रहा है, हम ये चाहते हैं, तो हम उसको किसी चीज़ को parameter को increase करने के बजाय हम decrease कर दे रहे हैं. तो वो चीज़ हमें ये characteristics कर जाती है, इस characteristics curve को हम अपने mind में रखते हुए उस system में उस parameters को vary कर सकते हैं. इसलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स को प्लॉट करेंगे. ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स इज नथिंग, दीज आर द ग्राफ्स एंड वी विल डिस्कस दिस ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट वी गेट अर्लियर. हमने लास्ट लेक्चर्स में, टू लेक्चर्स में जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था, उस रिजल्ट के बेस पर ही ये कर्व्स प्लॉट किए गए हैं, और उसी रिजल्ट के बेस पर प्लॉट किए गए हैं, उसका एनालिसिस किया गया है, और उसमें जो वैल्यू आएंगी उसके उसमें जो हमारे पास कंक्लूजन आएगा उसको हम आगे देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज द दिस मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, एंड अदर वन इज द फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो. एंड दिस फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो okay, now we will discuss step by step that as we have, this is our spring mass damper system, there is a force F naught is acting, F is acting, and this, what is value of this, this F equal to F naught sine omega T. And as we have solved the solution of this system and get the two parts, steady state and complementary parts, in steady state we get a solution x equal to a sine omega t minus phi. Okay, we obtain the result for this a and phi. What we get for a, as we get a equal to f naught by k upon one minus r square ka whole square plus 2 zeta r ka square and square root of this term. Okay, square root of this term. Further we can write, ab ye jo hamara ye term hai f naught by k, ye this f naught by k ko hum iske niche le aate hain. ठीक है, या इस दिस एफ नॉट बाय के को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस एफ नॉट बाय के इज नोन एज जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन. दिस एफ नॉट बाय के, वी कैन राइट दिस एफ नॉट बाय के एज एक्स एच टी. ये एक्स एच टी क्या है, जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन. दिस जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, अगेन नाउ वी विल
can write the term A upon XST equal to 1 upon square root 1 minus R square ka whole square plus 2 zeta R ka whole square. ये इक्वेशन जो है ये वाली ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी, ये फर्स्ट लेक्चर हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था. क्लियर? अब उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर ले हैं कि जो हमारा a अपॉन xst है ये क्या है, और दिस a अपॉन xst इज नोन एज मैग्नीफिकेशन फैक्टर. ओके, दैट इज हम कैसे लिख सकते हैं इसे, मैग्नीफिकेशन फैक्टर इक्वल टू ए अपॉन एक्स टी इक्वल टू ये रूट वाली टर्म, ये वाली टर्म ये आपका नीचे आ जाएगा. यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम हम यहाँ लेते हैं. तो मैग्निफिकेशन फैक्टर इक्वल टू ए अपॉन एस एस टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर. ओके, अब ये हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर. मैग्निफिकेशन फैक्टर इज नथिंग, मैग्निफिकेशन फैक्टर इज रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ए. एम्पलीट्यूड ए क्या है, स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड, ट्रांजेंट वाला एम्पलीट्यूड नहीं, स्टेडी स्टेट का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन. इसी को हम बोल देते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, एंड इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज ए भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन, एस एस टी भी हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन. इसलिए हमारा क्या है, डायमेंशनलेस मैग्निफिकेशन फैक्टर इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. सेकेंड थिंग हमने जो ड्राइव की थी वो क्या था, फेज एंगल. हमने क्या ड्राइव किया था, फेज एंगल फाई. क्या निकाला था, फाई टेन फाई इक्वल टू टू जीटा आर अपॉन वन माइनस आर स्क्वायर. ये रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, और इसी रिजल्ट के बेस पे हम आगे करेंगे. तो हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन आया है, ये मैग्निफिकेशन फैक्टर एंड आवर दिस ये टेन फाइव फेज एंगल, दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों के दोनों हमारा ये भी मेरा डिपेंड कर रहा है आर पे और जीटा पे, ये भी मेरा किस पे डिपेंड करता है आर पे और जीटा पे. तो जीटा हमारा क्या है, डैम्पिंग सी बाय सी सी. ठीक है, तो मीन्स हमें देखना है, और आर क्या है हमारा, आर है हमारा मेगा बाय मेगा एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो. तो हमें ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है फोर्स की, ये टर्म फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा एंड मेरा किस सिस्टम के लिए फिक्स है, ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी. क्लियर? और सी डैम्पिंग. तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेशियो आएगा और जो हमारा डैम्पिंग रेशियो है जीटा, इसके बेस पे हमें क्या कर मिलता है. ठीक है, जब हम मैग्नीफिकेशन फैक्टर वर्सेस आर के बीच में कर प्लॉट करते हैं, इसको बोलते हैं हम ये मैग्नीफिकेशन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर, और जब हम फाई वर्सेस आर के बीच में कब प्लॉट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर. तो ये जो दो चीज़ें हमने अभी जब ऊपर देखा था, मैग्नीफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशो वही हो गया, और फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशो. ठीक है, क्लियर? सो मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या था हमारा, द रेशो ऑफ स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड टू द जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन दिस टर्म. ये हमें टर्म याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो हमारे ये बेस्ट रहेगा कि हम इसको याद करें.
क्लियर। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। यस दिस इज अ कर्व, मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। मींस कि हम मैग्निफिकेशन, हमने मैग्निफिकेशन को तो इस साइड ले लिया और हमने फ्रीक्वेंसी रेशियो इधर लिया है, और फ्रीक्वेंसी रेशियो इधर लिया, मैग्निफिकेशन उधर ले लिया, ठीक। और एक एक जीटा के वैल्यू पे, जैसे जीटा जीरो पे, जीटा 0.125 पे, जीटा 0.25 पे, जीटा 0.5 पे, जीटा 0.707 पे, जीटा 1 पे, जीटा 2 पे, हमने इस कर्व को प्लॉट किया। क्लियर। तो मेन क्या है हमारा, तो हमारा जो मेन टॉपिक हो गया है मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो फॉर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डैम्पिंग। क्लियर। तो पहले हम इसको एनालिसिस कर, मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो फ्रॉम लो इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है अभी, ये इक्वेशन से हमने कर्व प्लॉट किया है एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऑब्टेन हुई हैं, उसी को हम अभी देख रहे हैं। मैग्निफिकेशन और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो आर। हम पहला है हमारा कि एट जीरो फ्रीक्वेंसी, हमने कर्व को प्लॉट कैसे करना है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है इसको, यहाँ से वन से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, और हमने पहले जीरा जीटा जीरो पे इसको प्लॉट किया। फ्रीक्वेंसी रेशो हम वेरी कर रहे हैं और जीटा हमने फिक्स कर दिया जीरो, जीटा जीरो पे हमने फिक्स किया और ये हमारा मूव कर रहा है कर्व। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे फ्रीक्वेंसी रेशो बढ़ रहा है पर्टिकुलर जीटा पे, ये हमारा मैग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस वन को क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम इस वन को, ये हमारा डाउन आना स्टार्ट हो गया है वैल्यू। क्लियर, ठीक। और सिमिलरली अगर हम अनदर जीटा लेते हैं, जीटा 0.125, तो अगेन हमारा ये कर स्टार्ट हो रहा है, ये जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, इधर ऊपर गया, इधर से वापस आया। सिमिलरली ये 0.25 पे हमारा कर बना, सिमिलरली 0.5 पे बना, 0.25 पे, फिर 0.5 पे, और ये हमारा 0.707, और ये जीटा 1 पे, जीटा 1 पे और जीटा 2 पे। क्लियर, ये जीटा 2 पे है, जीटा 1 पे है, ये 0.707 पे है। अब ये 0.707 ये अलग हमने देखा, तो हमने कुछ कंक्लूजन निकाले। जो हमारा पहला कंक्लूजन क्या है उसको हम देख लेते हैं। एट जीरो फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा इक्वल टू जीरो। जब जीरो फ्रीक्वेंसी होगी, जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी रेशियो में, जब ये ओमेगा जीरो होगा तभी तो जीरो होगा। और जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब ये वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, तो मैग्निफिकेशन मेरा यूनिटी हो जाएगा, ये इनडिपेंडेंट ऑफ डैम्पिंग। मीन्स आप जीटा की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, डैम्पिंग कुछ भी कर लीजिए, बट अगर हमारी फोर्स फ्रीक्वेंसी जीरो है तो मैग्निफिकेशन हमेशा हमारा वन आएगा। इट मीन्स स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन। मैग्नीफिकेशन यूनिटी मीन्स स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड इक्वल टू जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, द रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम एट एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज लोअर फॉर हायर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग। मीन्स द रिस्पॉन्स एट एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज हायर वैल्यू, दैट इज द कर्व्स फॉर higher value of damping is below those of lower value of damping। It's important point कि अगर आप different different zeta के बीच में variation देखते हैं, तो जब जब different different zeta के बीच में आप variation देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जिस zeta की value ज़्यादा है, उसका जो उसकी जो magnification की value है किसी particular frequency ratio पर, जिसका zeta ज़्यादा है वो कम रहती है। जैसे अगर हम इस point, हम आ गए यहाँ पर, हमने एक line खींची ये, हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज यहाँ पे आर 0.5 है, हम क्या देखते हैं, जब जीटा हमारा जीरो है और जीटा मेरा टू है, तो हम देखते हैं हमें जीरो पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जब जब हम जीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा वैल्यू, हमारी मैग्निफिकेशन की कम होती जाएगी। इट मीन्स हायर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग इज बिलो दोज फॉर लोअर वैल्यू ऑफ डैम्पिंग। थर्ड पॉइंट, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द मैग्निफिकेशन टेंड्स टू जीरो
और वी कैन से द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स वेरी स्मॉल, दैट इज मैग्निफिकेशन फैक्टर अप्रोचेज जीरो एज आर अप्रोचेज इनफाइनाइट। देखिए जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे सारे कर्व इधर मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सब कर्व इधर जा रहे हैं। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है सारे के सारे कर्व मेरे इधर मूव कर रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स द इनफाइनाइट पे। ये एकदम जीरो नहीं हो जाएगा लेकिन ये टेंस करेगा कि एक एंड में जाके इनफाइनाइट पे जाकर ये जीरो हो जाए। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन में फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। जैसे जैसे हम मैग्निफिकेशन मेरा जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे मैग्निफिकेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और कुछ पर्टिकुलर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आर पे फ्रीक्वेंसी रेशियो पे मैग्निफिकेशन मेरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, फॉर एन अनडैम्प्ड सिस्टम, अनडैम्प्ड मीन्स जीटा इक्वल टू जीरो। अनडैम्प्ड का मतलब क्या होता है, जीटा जीरो, जीटा इक्वल टू सी बाई सी सी होता है, सी मेरा डैम्पिंग है। अगर मेरा डैम्पिंग जीरो होगा, जीटा क्या होता है हमारा सी बाय सी सी, अगर ये जीरो हो गया, सी मेरा जीरो हो गया तो जीटा मेरा क्या हो जाएगा जीरो। जब सी जीरो इट मीन्स कि हमारा डैम्पर ही नहीं लगा, और जब डैम्पर नहीं लगा तो सिस्टम क्या बन गया मेरा, ये स्प्रिंग मास सिस्टम बन गया। ये तो ये मेरा क्या बन गया, स्प्रिंग मास सिस्टम, इसमें डैम्पर नहीं मीन्स अनडैम्प्ड सिस्टम बन गया है। और हम देखते हैं कि किसी भी एक अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए रेजोनेंस, अनडैम्प्ड सिस्टम रेजोनेंस मैग्निफिकेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये जो मेरा जीटा जीरो ये इनफाइनाइट पे जाके मीट कर रहा है, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट से वापस आया। तो एट रेजोनेंस फॉर अनडैम्प्ड सिस्टम जीटा जीरो आर इक्वल टू वन, जो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, फॉर डैम्प्ड एंड रेजोनेंट सिस्टम, अब डैम्पर है लेकिन हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू जीटा। ये हमने पहले, इट मीन्स कि जीटा जिसका ज़्यादा होगा मैग्निफिकेशन उसका कम होगा, जीटा जिसका ज़्यादा होगा मैग्निफिकेशन इसका कम होगा, जो हमने अभी ऊपर सीरियल नंबर टू में भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया था। क्लियर? कि हम क्या करेंगे, रेजोनेंस पे डैम सिस्टम के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा हमारा क्या होता है, ज़्यादा जीटा के लिए कम होता है, और अगर जीटा की वैल्यू कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर? जो इस फॉर्मूले से हमें क्लियरली मिल रहा है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैग्निफिकेशन ये है जो हमारा, क्लियर, अगर हम देखें, ठीक है, जीरो फ्रीक्वेंसी पे, फर्स्ट पॉइंट जीरो फ्रीक्वेंसी पे मैग्निफिकेशन क्या है, यूनिटी है। सेकंड पॉइंट कि जीटा की वैल्यू किसी हम एक पर्टिकुलर आर की वैल्यू पर, जीटा जिसका ज़्यादा है उसकी वैल्यू कम है, मतलब जिसका जीटा ज़्यादा है वो नीचे है कर्व, और जिसका जीटा ज़्यादा है वो कर्व ऊपर है। क्लियर? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और बहुत फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जीटा क्या हो जाएगा, इधर इनफाइनाइट की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जीटा जो क्या हो मेरा, इधर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है। आर को बढ़ाते रहें, फ्रीक्वेंसी रेशियो को बढ़ाते रहें, मतलब कि ओमेगा को हम बढ़ाते रह रहे हैं, और हमारा क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा रहे हैं, हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा मैग्निफिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट था हमारा अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए और रेजोनेंस के लिए इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन है, और डैम्प्ड और रेजोनेंस सिस्टम के लिए फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है 1/2 जीटा। क्लियर? ये तो हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी रेशो कर्व फॉर मैग्निफिकेशन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशो कर्व फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग। अब हम यहाँ देख रहे हैं, ये इधर हमने लिया है फेज एंगल फाई, जिसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, और इधर हमने लिया है फ्रीक्वेंसी रेशो आर। अब फ्रीक्वेंसी रेशो आर और फेज एंगल के बीच में हमने कर्व प्लॉट किया है। क्लियर? हम क्या देखते हैं, पहला पॉइंट, पहले हम देखते हैं कर्व कैसे प्लॉट करना है। कर्व आपको पहले जीरो, जीटा जीरो से शुरू करना है। जीटा जीरो से जब हम लेंगे तो ये हमारी लाइन ऐसे आएगी अप टू वन, आर की वैल्यू वन, जीटा जीरो, तो मेरा फेज एंगल जीरो है।
क्लियर? कब तक जीरो रहेगा? जब तक आर वन है। मीन्स फ्रीक्वेंसी रेशियो अगर लेस देन वन है, फ्रीक्वेंसी रेशियो लेस देन वन है तो मेरा इधर आएगा, और जैसे ही हम ये फ्रीक्वेंसी रेशियो वन से बड़ा होगा मेरा जीटा इक्वल टू जीरो का कर्व यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लियर, ये आ जाएगा मेरा जीटा इक्वल टू जीरो, क्लियर ठीक है। फिर हम 0.125 को बढ़ा रहे हैं, 0.125 को हमने इंक्रीज करना शुरू किया, ये ग्रीन लाइन से आप देख रहे हैं, 0.125 ग्रीन लाइन से देख रहे हैं, यहाँ पे गया 90 डिग्री और 1 पे आके ये मीट हुआ, उसके बाद ये ऊपर चला गया। फिर हमने इस 0.25 को बढ़ाया, पिंक वाली लाइन, पिंक वाला कर्व, आर की वैल्यू 1 पे आया और 90 डिग्री पे आया, और फिर यहाँ से पिंक वाली लाइन चली गई ऊपर। देन अगेन ये ब्राउन लाइन, ब्राउन लाइन जीटा 0.25, ब्राउन लाइन जीटा 0.25 पे है, ये हमारा गया, और इधर से इस पॉइंट से होते हुए इधर चला गया, सिमिलरली 1 की वैल्यू पे ये गया और 2 की वैल्यू पे मेरा ये गया, क्लियर। तो ये तो हो गया हमने कर्व कैसे प्लॉट करना है। कर्व प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस तरह से एक एक्स एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 कर देना है इधर से 180 डिग्री तक, ओके। देन हम जीटा इक्वल टू जीरो से शुरू कर रहे हैं, ये हमारा जीटा इक्वल टू जीरो पे, और यह भी हमारा जीटा इक्वल टू जीरो पे। तो जब हम जीटा इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट किया, जीरो से वन तक ये जीरो रहेगा, और जैसे ही वन को क्रॉस करते हैं तुरंत इसका फेज एंगल क्या आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है, क्लियर। मतलब ओमेगा की वैल्यू हमारी बढ़ गई है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ने पे फेज हमारा 180 डिग्री की तरफ बढ़ जाता है। फिर हमने 0.125 का बनाया, 0.25 का बनाया, 0.5 का, इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। अब हम देखते हैं इसकी फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, क्लियर। सेम हम देख रहे हैं, फ्रॉम बिलो इक्वेशन एक कर्व इज प्लॉटेड एंड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑब्टेन्ड। ये जो हमने फेज एंगल का फॉर्मूला भी लास्ट फर्स्ट लेक्चर में निकाला था कि टेन फाई इक्वल टू 2 जीटा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला। अब इसके बेस पे हमने ये कर्व प्लॉट किया है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ जीटा, और हम उसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फेज एंगल इज 0 डिग्री फॉर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है मेरा 0 से 1 के बीच में है एंड 180 डिग्री फॉर आर इक्वल टू 1। ये कि अगर मेरा फेज एंगल 0 डिग्री, फेज एंगल क्या होगा मेरा 0 डिग्री होगा जब मैं जीरो आर के वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये 0 है, और अगर वो 180 आर की वैल्यू उससे ग्रेटर है तो ये हमारा यहाँ पर 180 डिग्री फेज एंगल है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द फेज एंगल इज 90 डिग्री फॉर आर इक्वल टू 1। अब जैसे आर की वैल्यू 1 होगी, द फेज एंगल इज 90 डिग्री फॉर आर इक्वल टू 1, इट मीन्स ये क्या कह रहा है, आर 1 का मतलब हो गया रेजोनेंस, आर इक्वल टू 1 मीन्स रेजोनेंस। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रिमेंबर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट रेजोनेंस फाइ फेज एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। कि जब हमारा रेजोनेंस होगा तो फाइ हमारा 90 डिग्री होगा, डैम्पिंग कुछ भी हो, जीटा की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब सी की वैल्यू कुछ भी हो, डैम्पर की वैल्यू कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेजोनेंस है तो फेज एंगल 90 डिग्री है, जो हम इस कर्व से भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से ही हर कर्व यहाँ से पास हो रहा है हर बार, क्लियर। तो एट रेजोनेंस फेज एंगल इज 90 डिग्री, एट रेजोनेंस फेज एंगल इज 90 डिग्री, क्लियर। नाउ यू गॉट द पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड, फॉर जीटा ग्रेटर देन 0, जीटा की वैल्यू 0 है से बड़ी है और आर से कम है, तो हम देखते हैं कि जो उसकी वैल्यू है, जीटा की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, मीन्स ये 0.125, 0.25, 0.5, 0.707, 1 और 2, क्लियर। जीटा की वैल्यू हमने 0 से बढ़ा दी और फ्रीक्वेंसी रेशो 1 से, मतलब इससे इस तरफ है, इस जोन में है, इस जोन के बीच में ये वर्क कर रहा है। जब इस जोन के बीच में वर्क कर रहा है तो हमारा फेज एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में आता है।
क्लियर। और फॉर जीटा ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है और आर से बड़ी है, जीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ये सब वही चीजें, और आर से बड़ी है, तो फेज एंगल इज गिवन बाय 90 to 180 डिग्री, मतलब आपको 90 से 180 डिग्री के बीच का एंगल मिलता है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। बट सबसे जो न्यूमेरिकल में ये जो है आपका, ये बहुत यूज होता है कि एट रेजोनेंस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। वो सीधा बोल देता है कि रेजोनेंस ये है, आपको फाई नहीं देगा, लेकिन आपको जैसे पता चलता है रेजोनेंस है तो मतलब 90 डिग्री, इसमें 4 इनपुट कर लेंगे तब भी हमें जो है वो उतनी वैल्यू आएगी। इंडस्ट्रीज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का दो टाइप के हैं, मैग्नीफिकेशन वर्सेज फ्रीक्वेंसी रेशो एंड फेज एंगल वर्सेज फ्रीक्वेंसी रेशो। ये हमने देख लिया कि मैग्नीफिकेशन वर्सेज फ्रीक्वेंसी रेशो के बीच में हमारा ये कर्व बना था, यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये लाइन ऐसे गई, यहाँ से स्टार्ट ऐसे गई और फिर ये वापस यहाँ पे आई, सिमिलरली ये ऐसे गई फिर वापस आई, ये ब्राउन वाली इधर से गई, ये आई ग्रीन वाली ऐसे गई, वन से स्टार्ट हुई इधर आई, और ये हमारी ऑरेंज वाली यहीं से जीटा पॉइंट ऐसे स्टार्ट हुई, ये पिंक वाली गई, ये हमारी ब्लू वाली आ गई, ये सब हमारी क्या है मैग्नीफिकेशन। और ये हमारा क्या है फेज एंगल के बीच के लिए है कि हमें पहले जीटा जीरो के लिए प्लॉट करना है, आर इक्वल टू वन तक, यहाँ आर के वन से ग्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, देन हमारा ये 1.25, 0.125, 0.25, 0.5 सब के लिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे, सिमिलरली ऐसे जाएंगे फिर उसके नीचे, इधर ऊपर उधर नीचे, इधर ऊपर उधर, मतलब कि 90 डिग्री से कम है तो ऊपर की तरफ ये हमारा जो है बढ़ते जाएंगे, इधर उधर है तो हम इधर नीचे होते जाएंगे ऐसे, क्लियर। ये हमारा हो गया ये। नाउ वी विल टॉक द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑन ए डैम सिस्टम सब्जेक्टेड टू फोर्स। हमारा जो सिस्टम है डैम सिस्टम जिस पे हम फोर्स वाइब्रेशन लगा रहे हैं उस पे वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, ये हमारा ओमेगा की बात होती है, क्लियर। तो हमें ये देखना है कि जब मेरा तीन केसेस हैं, फर्स्ट केस है मेरा कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की बात हो रही है, तो पहला केस है ओमेगा बाय ओमेगा एन लेस देन वन, इट मींस ओमेगा हमारा ओमेगा एन से बहुत कम है। दूसरा पॉइंट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन है, इट मींस रेजोनेंस दैट इज फाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम पहले अभी डिस्कस किया हमने कि हमेशा ध्यान देना कि जब भी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा होगा तो रेजोनेंस हो जाएगा और उस पर फेज एंगल फाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थर्ड केस है हमारे पास ओमेगा इज टू मच ग्रेटर देन ओमेगा एन, ओमेगा इज टू मच ग्रेटर देन ओमेगा एन। तो ये मेरे पास तीनों केसेस हैं, हम तीनों को अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उससे पहले लेकिन आपको एक चीज़ जाननी, ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमने अपना फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने डेरिवेशन की थी, तो हमने वहाँ पर डेरिवेशन में देखा था कि यहाँ पर टोटल 4 फोर्सेस सिस्टम पैक्ट कर रही हैं। ये हमने ये जो अपना स्प्रिंग मास सिस्टम बनाया था, इस स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमने कुछ डेरिवेशन की थी, उस डेरिवेशन में हमें 4 फोर्सेस पिक्चर में आई थी। उस डेरिवेशन को आप लेक्चर फर्स्ट में देख सकते हैं, फोर्स वाइब्रेशन मेरे चैनल पे फर्स्ट लेक्चर में, कि टोटल 4 फोर्सेस किसी भी डैम सिस्टम पे सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट हार्मोनिक फोर्स है डैम सिस्टम पे लग रही है, जिनका मैग्नीट्यूड यहाँ दिया है। वो इक्वेशन हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ पे हम आपको शो कर रहे हैं। पहला था हमारा इनर्शिया फोर्स, ये जो इनर्शिया फोर्स जब हम फोर्स लगा के इसको नीचे लाते हैं तो सिस्टम हमारा मूव करता है, तो उसमें एक इनर्शिया फोर्स आती है और वो फोर्स है मेरा क्या एम ओमेगा स्क्वायर एम, एम इज द मास ऑफ द सिस्टम, ओमेगा इज द फोर्स फ्रीक्वेंसी, ए इज द स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड, क्लियर। सेकेंड फोर्स था मेरा डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाएगा मेरा सी ओमेगा ए, सी क्या है मेरा डैम्पिंग कोफिशिएंट, ओमेगा फोर्स फ्रीक्वेंसी, ए अगेन एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट सिस्टम। थर्ड है मेरा स्प्रिंग फोर्स के इंटू ए, के इज द स्टिफनेस, ए इज एम्पलीट्यूड, एंड फोर्थ वन इज द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हमने अप्लाई की है, क्लियर। और इसके लिए हमने एक वेक्टर डायग्राम प्लॉट किया था कि ये मेरा फोर्स एफ नॉट है जो ओमेगा टी एंगल पे लग रहा था,
और स्प्रिंग फोर्स मेरा एफ नॉट से फाई एंगल लैग कर रहा था, कम पे लग रहा था, डैम्पिंग फोर्स मेरा स्प्रिंग फोर्स से 90 डिग्री पे था और इनर्शिया फोर्स मेरा डैम्पिंग से 90 डिग्री पे था। तो हमने ये वेक्टर डायग्राम प्लॉट किया था। अब यहाँ पे इन फोर्सेस की बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये फोर्सेस क्या रोल प्ले करती हैं, कैसे ये रोल में आती हैं। तो हम तीन तीन केसेस हैं, तीनों केसेस को अब हम अपनी डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो अभी हम आते हैं केस वन पे, और केस वन है मेरा ये केस वन, ओमेगा बाय ओमेगा एन लेस देन वन, मतलब ओमेगा है मतलब फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है। जब ये बहुत कम होगी तो आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे, ये ओमेगा स्क्वायर है स्टम में, इसमें ओमेगा है। जब इसमें ओमेगा है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, वो इतनी कम हो जाएगी उसका इफेक्ट ना के बराबर होगा। और बट हमारा ये के ए तो एज यूजल एड करता रहेगा। तो अगर हम देखें जब ओमेगा हमारा ओमेगा मेरा बहुत स्मॉल हो जाता है, ओमेगा इज़ वेरी लो, द इनर्शिया एंड डैम्पिंग फोर्स विल बी वेरी स्मॉल, हैंस द अप्लाइड फोर्स एफ नॉट विल बी बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स के ए। इट मीन्स एफ नॉट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के ए। जब भी कभी ऐसे केस आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, गेट में या कहीं पे भी, आपको पता होना चाहिए अगर ओमेगा ओमेगा एन से बहुत कम है तो अप्लाइड फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू के ए। ये तो हो गया मेरा पहला केस। सेकंड केस इट मींस कि जो अप्लाइड फोर्स को स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर दे रही है, बाकी हमें फोर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है। केस सेकंड, दिस इज द केस, केस सेकंड ओमेगा बाय ओमेगा एन इक्वल टू वन, दैट इज ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन, दैट इज रेजोनेंस, दैट इज रेजोनेंस, किस रेजोनेंस विल अकर एंड एट रेजोनेंस फेज एंगल इज 90 डिग्री। पहली चीज तो यही होगी जब ओमेगा ओमेगा एन के इक्वल हो तो रेजोनेंस होगा, फेज एंगल कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। फेज एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इट मीन यहाँ से एफ नॉट इस बेस से फाइव एंगल पे है, एफ नॉट इस बेस से फाई एंगल पे है, और उस फाई और जो एफ नॉट से स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक फाई एंगल पे लैग पे करती है वो 90 डिग्री है। ये हमारा डैम्पिंग फोर्स हो गया, ये हमारा इनर्शिया फोर्स हो गया, एंड चारों के चारों फोर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और सबकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है तो रेजोनेंस तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ही होगा, जो हमारे सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए सफिशियंट है, ठीक। तो इनर्शिया फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स। अगर आप इधर से देखें तो ये जो इनर्शिया फोर्स है ये हमारे स्प्रिंग फोर्स के थ्रू बैलेंस हो रहा है, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर ले रहे हैं, और ये जो मेरा डैम्पिंग फोर्स है ये एफ नॉट को इक्वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया केस सेकेंड, जब रेजोनेंस होगा रेजोनेंस में क्या हो जाएगा फाइव 90 डिग्री एंगल मिलेगा, इनर्शिया फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आपस में बैलेंस करेगी, और अप्लाइड फोर्स और डैम्पिंग फोर्स अप्लाई करेगी। इस ग्राफ से आप इजली क्लियर कर जाएंगे। Okay, now the case third. In the case third, omega is too much greater than omega n. Means कि अगर हम बात करें ये omega अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा omega n से, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा टर्म है inertia force, ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। C omega a भी बढ़ेगा, कि a की वैल्यू है, बट अगर हम इसको दोनों को इससे कंपेयर करते हैं तो ये हमारा बहुत ज़्यादा है, ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर मेरा बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सी ओमेगा एन के, क्लियर। तो हमने क्या देखा, ये एफ नॉट है यहाँ से फाई एंगल पे, और जब हम देखते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच में एक 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एट वेरी हाई फोर्स फ्रीक्वेंसी इनर्शिया फोर्स इंक्रीजेस वेरी रैपिडली इन मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू डैम्पिंग एंड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। मतलब कि स्प्रिंग इनर्शिया फोर्स मेरा डैम्पिंग और स्प्रिंग से काफ़ी ज़्यादा होगा, और फेज एंगल टेंस टू बी 180 डिग्री विच कॉज द बैलेंसिंग ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स। तो हमारा इनर्शिया फोर्स ही सफिशियंट है अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो स्प्रिंग और डैम्पर का हमारा डैम्पिंग का फोर्स का हमारा उतना रोल प्ले नहीं होता है, इनर्शिया ही उस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर देता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्या इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो, क्लियर।
ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आता है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।